अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। काफी दिनों बाद सोचा व्लॉग बना लूँ। मेरा बर्थडे था और अजान का बर्थडे, हम दोनों का बर्थडे था। हम लोगों ने, हाँ मेरा कल था मतलब 28 अक्टूबर और आपका था 25 अक्टूबर। हमने मनाया नहीं था बाहर जाके, तो सोचा थोड़ा सा डिनर कर लेंगे बाहर, तो आप लोगों को मैं व्लॉग भी दिखा दूंगी, बना लेती हूँ। जस्ट कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा शाम का वक्त है, चाय वाय पी रहे हैं, उसके बाद रेडी होके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और आज की चाय मोहम्मद अरफात ने बनाई है। बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं वैसे ही। और ब्रेड पे थोड़ा सा ये पीनट बटर लगा के देते हैं, रोज एक्चुअली अरफात हमें लगा के देते हैं, मुझे और अजान को। तो हम लोग वो खा रहे हैं और उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। तो चलिए, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। वैसे हमने कुछ और डिसाइड किया था कि लिए डिनर के लिए कहीं और जाएंगे हम। हमारा तो पहले प्लान था कि लंच के लिए ही जाएं, लेकिन वो भी मिस हो गया, सहारा पे था नहीं, तो हमने सोचा डिनर कर लेते हैं। तो ये हम पहुंच गए सहारा स्टार के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए, ये हम पहुंच गए सहारा स्टार में, और जो रेस्टोरेंट है जिसमें मुझे खाना था, मतलब वहां है ना ये जो मिडल ईस्ट टाइप खाना मिलता है, तो उसका मैं पता पूछने गई। थोड़ा सा एड्रेस पता नहीं था, तो कहाँ है, ऊपर है नीचे है कहाँ है पता नहीं, तो उन्हीं से मैं रिसेप्शन से पूछ रही थी। और ये तो देखिए, बीच में मुझे ये इतने सारे अवार्ड्स दिखे, तो मैंने सोचा आप लोगों को कैप्चर करके दिखा दूं। क्या बढ़िया से इतने सारे अवार्ड्स है माशाल्लाह। वैसे हम लोग मेन्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए क्या मंगाना, क्योंकि क्या है ना, हम मिडिल ईस्ट से तो बिलोंग करते नहीं है और कभी मतलब इतना आना जाना वहाँ है नहीं, तो अब मंगाएं तो क्या मंगाएं। और हमें ना, हम बाहर जब आते हैं तो पिज्जा वगैरह वो माइंडसेट से नहीं आए थे, हमें कुछ प्रॉपर यू नो प्लेटर है या मेन कोर्स है या स्टार्टर है ऐसा खाना था, तो हम बस वही सर्च कर रहे थे और बस वही उसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हाँ, कुत्ते की खुशबू आ रही है ना, राइट। ले लो, खाने के साथ ही ले लो सर, मुझे तो ब्लडी कर रही है। अजहर इतना एंजॉय कर रहा था ना, उससे देख देख के मुझे और अरफात को बहुत अच्छा लग रहा था, हम दोनों उसको देख देख के हम एंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा मजा आ रहा था। और सबसे बेस्ट चीज मुझे उनके यहाँ की लगी तो वो ये है, ये सारी चीजें इनका जो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बहुत ही मजेदार है। और उसके साथ साथ अगर आपने पिक्चर नहीं निकाला बॉस मान, तो मजा क्या है। तो हमने थोड़े पिक्चर्स भी निकाले, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अटैच भी कर रही हूँ पिक्चर्स। ये जो है ना, ये वाला, ये पिकल है, ये पिकल था। कैरन के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था, है ना, कैरन के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, राइट? पिकल कैरेट और वो व्हाइट वाला था, वो क्या था? He said something, but मुझे most आला ask him, अब most वो first वाला है, वो last। I'll just ask him again. Think first one is
tahini. Okay, the second last one is hummus. बीच वाले का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा. वो कुछ स्पाइसी का उसने भी बोला. क्या चाहिए अरफात आपको? मैं नहीं. नहीं पहले जो बोले थे वो बोलो. मीनू तो मीनू. ये लो मीनू. एटलीस्ट ऑर्डर क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मतलब वेरी कंफ्यूज मंगा है क्या. राइट. क्या मंगा रहे हो? अच्छा व्हाट इज दिस ही सेड. नाम भूल गए. हरीसा ताहिनी एंड थर्ड वन कुछ एग और एग योग का योग नहीं सॉरी एग व्हाइट का गार्लिक के साथ एकदम मिक्स करके बनाया. बहुत ही मजेदार है ये. वेरी नाइस. अच्छा मुझे गाजर के साथ ना इतना अच्छा लगा था ना तो मैंने उससे फिर से गाजर मंगाया. वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है और अजान देख सकते हैं आप बड़ा मजे से एंजॉय कर रहा है और हम ये खा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं वो अपना एंजॉय कर रहा है. तो उसी दरमियान में हमारा जो एक ऑर्डर था वो आ गया. तो ये हमने मंगाया था शीश तवुक चिकन का. बहुत ही मज़ेदार तो नहीं कहूँगी कि एकदम मज़ेदार था. मुझे थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगा. जूसी भी नहीं थे. ठीक था. नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड. इसके साथ जो रोटी तंदूरी टाइप दिख रही है आपको वो थोड़ी सी फ्लेवर वाली लग रही थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे. उससे ज़रा खा के इसे मज़ा आया. वैसे ये लोग डिप वगैरह चटनी वगैरह देते नहीं और हम इंडियन लोग थोड़ा सा है ना चटनी वगैरह खाने के आदि हैं. तो बस ये एक चीज़ मिसिंग लगी कि डिप वगैरह या चटनी वगैरह होती तो और चार चांद लग जाते. और मज़ा आता है ऐसा डिफरेंट कल्चर ट्राई करना डिफरेंट ओरिजिन का खाना ट्राई करना. मुझे बहुत पसंद है. क्या आप लोगों को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. उसके बाद मैंने फिर से थोड़े पिक्चर्स लिए. अरे भाई आ गए हैं तो थोड़े पिक्चर्स तो लेंगे. तो एक दो पिक्चर्स और अटैच कर रही हूँ आप लोगों के लिए. कैसा लगा अरफाद आपको? बहुत ही एवरेज. बस थोड़ी इनकी ये लैम्प सॉफ्ट है. शायद एक सिटी ज्यादा मार दी होगी. एक सिटी ज्यादा मार दी होगी. बहुत ही एवरेज सर. पर मटन बहुत अच्छा है ना. मटन इज रियली वेरी गुड. इनफैक्ट मटन नहीं ये लैम्ब है बहुत ही बेहतरीन है. मतलब जो सॉफ्टनेस है इट्स वेरी गुड. अच्छा व्हाइट वाले के साथ खिला रहे हो. हरीसे के साथ खा रहे हो. ओके याद है रियल फिश. रियल फिश आजान देखो ना कितना मस्त है ना एक्वेरियम. लग रही है टीवी है. अच्छा मैं आपसे शेयर करना तो भूल ही गई. आज का मेरा आउटफिट ऑफ द डे ये है और ये हमारा इन हाउस ब्रांड का बना हुआ आउटफिट है. तो आपको ज्यादा डिटेल चाहिए इंस्टा आईडी मैं स्क्रीन पर डाल देती हूँ आप देख सकते हैं. और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है आप वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए इसके बारे में. और हाँ इसके बाद थोड़े से फिर से पिक्चर्स लिए प्रमोशन के लिए. और मैं अगर लूँ तो अजान को मेरे साथ लेना बहुत ज़रूरी है. वैसे मैं ज़्यादा नहीं डाल रही लेकिन इतने अलग अलग फेसेस बना के अजान डाल रहा था ना कि एक प्रॉपर पिक्चर ही नहीं आ रहा था. तो एट लास्ट ये प्रॉपर पिक्चर आया. हमने ये खींचा और फिर निकल गए वहाँ से. वैसे हमें है ना वो भी खाना था बकलावा पर थोड़ा सा हमारा मूड थोड़ा ऑफ हो गया. तो हमने सोचा चलो घर पे ही चले जाते हैं. मीठा नहीं खाते और घर पे जो भी मीठा रखा है वो खा लूँगी मैं. वैसे आप देख सकते हैं मैं इतनी प्रो नहीं हूँ व्लॉग्स में. स्लो स्लो करके मैं भी सीख रही हूँ. तो कृपा करके सपोर्ट कीजिए. टच कर सकते हो ऐसा वो नहीं कर सकते हो. डिस्ट्रॉय नहीं करना है. 2-1 go. एक मिनट मेरा दरवाजा तो खोलो. नहीं चाहिए.
अरे खोलो तो सही दरवाजा, साबुन यूज नहीं करते तो अरे तुम तो रह गई। अरे हम शैम्पू यूज करते हैं भाई बाल धोने के लिए। अरे मुझे अंदर तक घुसने दो, साबुन यूज नहीं करते हम। कितने का दिया एक साबुन? अरे चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमें बहुत मजा आया, आज हमारे बर्थडे का सेलिब्रेशन था ना, तो कैसा लगा आपको आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन? मजा आया? हाँ। अजान को तो बड़ा मजा आया। मुझे खाना ओके लगा, इसके लिए तो मैंने बकलावा भी ऑर्डर नहीं किया, मुझे लगा मैं घर जाके ही डेजर्ट खाऊंगी मेरे हाथ का ही। मेरे बर्थडे में मेरे हाथ का डेजर्ट खा लूंगी, लेकिन वहां का डेजर्ट नहीं खाऊंगी, बकलावा उतना मुझे एवरेज खाना लगा। तो बस यही, अब मैं मेरा क्या मैंने बनाया था एगलेस चॉकलेट बनाना केक, मैं उसे निकाल रही हूँ, तो तब तक थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं थोड़ा खा लूंगी। अच्छा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा वहाँ का खाना, शायद आपको अच्छा लग सके, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ जाके खाना। तो तुम खा रहे हो? हाँ। अच्छा तुम खा लो, भूख लग रही है। अरे भूख लग रही है, चलो बैठ के खा लो, सिट एंड हैव। ओके। छोटी सी कोशिश की थी मैंने व्लॉग बनाने की, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपको क्या पसंद आया ये व्लॉग में उसका कमेंट भी कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे ये व्लॉग्स के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ बस, और हाँ एक और बात करनी थी कि थैंक यू सो मच, मेरा भी रिसेंटली एग्जीबिशन था बैक टू बैक 2-3 बार टाउन के अंदर बॉम्बे में, और वहां पर मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल के मिले, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर मिले, और वो लोगों ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि वो लोग तो मेरा रेसिपीज देखते ही हैं, लेकिन उनके बच्चे मेरे व्लॉग्स बहुत यू नो इंटरेस्टिंगली देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर के मैं बच्चे हैं और जो यू नो यूथ और उनके साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, उससे मिलता है हौसला कि हम और मैं रेसिपीज और व्लॉग्स में डाल पाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे लोग आप लोगों का, और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। और हाँ बस यहीं तक का था, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये व्लॉग, बच्चों आपको भी तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी या एक व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।